अभी कुछ साल पहले ऐसा हुआ। ये लोग बोले, वो हॉस्पिटल कहाँ पर है? मैंने कहा, देखिए ये रहे वो लोग जो इस बीमारी की वजह से यहाँ आए हैं, मैं जो इनसे हो पा रहा है वो करवा रहा हूँ। और 15-20 दिनों में वो लोग ठीक हो रहे हैं। अगर किसी को और बड़ी डोज चाहिए तो हम दे सकते हैं, पर ये काफी है, आप अच्छे से सोएंगे। नमस्कार सद्गुरु, मुझे नींद ना आने की और चिंता करने की बीमारी है, क्या आपके पास कोई सुझाव है कि मैं बेहतर नींद कैसे ले सकती हूँ? यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ हैं कि वो यहाँ बैठे बैठे भी सो रहे हैं, हम उनकी सलाह ले सकते हैं। आप बस थेम्स नदी में छलांग लगा दीजिए और अगले 2 घंटों तक नदी की धारा के विपरीत तैरिए, आप रात में अच्छे से सोएंगी। हाँ बेशक, मैं सच कह रहा हूँ। अब हर चीज के लिए हमारे पास नाम है, ये चीज लोगों के लिए उपलब्धि की तरह बनती जा रही है। मैं एक इंसोम्नियाक हूं, मैं एक एनोरेक्सिक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं चाहूंगा कि आप बस ऐसा बोलें, मैं एक झमेला हूं। इसको इतने सारे वैज्ञानिक नाम मत दीजिए, सिर्फ ऐसा देखिए, मैं एक झंझट हूं। शरीर को झंझट बना लिया है, दिमाग को झंझट बना लिया है, इनमें से एक चीज है, हाँ या नहीं? अगर आप इसे इतने ऊंचे दर्जे के नाम देंगे तो इनमें से एक होना बड़ा रोचक हो जाएगा। खुद के साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने हजारों और हजारों लोगों को देखा है जो इस तरह की चीजों के साथ आते हैं। ये कोई बीमारियां नहीं है, ये सिर्फ वो उपलब्धियां हैं जो आपने ले रखी हैं, क्योंकि दूसरी उपलब्धियां जो आपके पास हैं वो शायद उतनी काफी नहीं है। मैं इस तरह से बात करने के लिए माफी चाहूंगा, पर मैं चाहता हूं कि आप इसे जानें, ये सब कुछ खुद से बनाई हुई चीजें हैं। You create a problem and you carry the problem on your head like a jewel. आप खुद एक समस्या बनाते हैं और फिर उस समस्या को अपने सर पे एक आभूषण की तरह लिए फिरते हैं। अगर आप खुद को एक खास संतुलन में ले आए, खुद को जीवन के साथ एक खास सहजता में ले आए, तो जब शरीर को आराम चाहिए होगा वो सो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको सोना पड़ेगा, सोना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जरूरी काम करें तो ये खाएगा, है ना? हाँ या नहीं? अब खाना एक समस्या है, नींद एक समस्या है, देखिए ये सब बहुत बड़ा व्यापार बन गया है। प्लीज इसे समझिए, आपको कुछ समस्या होनी चाहिए ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था को सहारा मिले, वो एक चीज आप कर रहे हैं। दवाइयों का उद्योग है, चिकित्सा उद्योग है, बीमारी उद्योग है, ये सब धड़ल्ले से चल रहा है, क्योंकि हर कोई उन चीजों को ऐसे ढो रहा है जैसे वो किसी तरह का ताज पहने हैं। आप अपने सिस्टम को एक खास तरह की सहजता पे लेकर आइए, भागीदारी के साथ लाइए, और कुछ नहीं, इसका और कोई इलाज नहीं है। ऐसा कुछ साल पहले हुआ, अब हमने इसके नाम में संशोधन कर लिया है और अब ये ईशा रिजुविनेशन केंद्र कहलाता है, ठीक है? एक समय था जब हम इसे योगिक हॉस्पिटल बुलाते थे। जब ये योगिक हॉस्पिटल था तब मैं इसमें खुद शामिल हुआ करता था। तब यूनाइटेड स्टेट से कुछ डॉक्टर्स आए, वो लोग योगिक हॉस्पिटल देखना चाहते थे क्योंकि उन्होंने कुछ पुराने केस देखे थे कि कैसे लोग स्वस्थ हुए हैं और बाकी चीजें। वो आए और आश्रम में 3 दिन रहने के बाद वो आश्रम में लोगों ने मुझे बताया, सदगुरु ये डॉक्टर्स बेहद गुस्से में हैं और वो जाना चाह रहे हैं। मैंने पूछा क्या हो गया? वो पूछ रहे हैं योगिक हॉस्पिटल कहाँ पर है। ओह ऐसा क्या, फिर मुझे बात समझ में आई, ठीक है। फिर मैं इस ग्रुप से मिला, वो ऐसे पुफ होकर बैठे थे, हॉस्पिटल कहाँ है? मैंने कहा हॉस्पिटल के बारे में आपकी सोच ऐसी है, वहां बिस्तर हों, लोग उस पर लेटे हुए हों, 10 लोग उनकी देखभाल कर रहे हों, हॉस्पिटल को लेकर मेरी सोच ऐसी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं उन्हें बगीचे और खेतों में ले गया और कहा, देखिए ये सब मरीज हैं जो इस बीमारी, उस बीमारी और वो बीमारी के लिए आए हैं, मैं उनसे जो हो पा रहा है वो करवा रहा हूँ, और आप देखेंगे कि 10-15 दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमने उन्हें प्रैक्टिसेस दी हैं, वो सुबह 4:30 बजे उठते हैं, 3 घंटे साधना करते हैं, फिर 2 घंटे काम करते हैं, फिर भोजन करते हैं, फिर काम करते हैं, फिर खाते हैं, शाम होते होते उन्हें जो भी दिया जाता है वो उसे खाना चाहते हैं, और रात में वो मर जाते हैं और फिर सीधा सुबह उठते हैं।
और 15-20 दिनों में वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां हैं जो प्रकृति में संक्रामक हैं, वो बाहर से आती हैं, ये दूसरे जीवों के आक्रमण से होती हैं। हमें इनसे मेडिकल रूप से निपटना होता है, दवा की जरूरत है, क्योंकि किसी और चीज ने हमारे सिस्टम पर आक्रमण किया है। लेकिन इस ग्रह पर 70% से अधिक बीमारियां खुद से बनाई हुई हैं। आपका शरीर आपके लिए बीमारियां क्यों पैदा करेगा अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, है ना? आप सो नहीं पा रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या गलत है? मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें, अभी समझें आप सभी। अगर आप सो नहीं पा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या गलत है? एक बात यह है कि शारीरिक गतिविधि की कमी हो सकती है, शायद सिर्फ यही बात है। दूसरी बात यह है कि आपका दिमाग मानसिक दस्त में है। एक बार यह ऐसा चलने लगे तो दिमाग में क्या चल रहा है उस पर आपका कोई काबू नहीं रहता। डर होगा, चिंता होगी, अशांति होगी, और दुनिया से आपका जुड़ाव ऊपर ऊपर से है। आप जीवन के रूप में शामिल नहीं हैं, आप एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में शामिल हैं, समझे? से आपका समाज सिर्फ एक नतीजा है, यह आपके जीवन का आधार नहीं है। हाँ या ना? अस्तित्व आधार है, समाज सिर्फ एक नतीजा है। हम जंगल में रह सकते थे। हर व्यक्ति के लिए सब कुछ व्यवस्थित करना बहुत कठिन होता है, इसलिए हमने तय किया कि हम लंदन में रहेंगे। इतनी सी बात है, यह सिर्फ एक खास खोज का नतीजा है। इट इज नॉट द बेसिस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। राइट नाउ सोसाइटी हैज बिकम द बेसिस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। यह आपके अस्तित्व का आधार नहीं है, अभी समाज आपके अस्तित्व का आधार बन गया है। इसीलिए आप सो नहीं सकते, क्योंकि हर कोई आपके दिमाग में चल रहा है। आपको बस इसे इसके प्राकृतिक रूप में वापस लाना है। शांभवी महामुद्रा उस दिशा में एक सरल सी प्रक्रिया है। अगर आपको एक मजबूत खुराक की जरूरत है तो हम वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये काफी होगा, आपको अच्छी नींद आएगी। लेकिन आज आपको घर चलकर जाना चाहिए, चाहे वो कितनी भी दूर हो, ठीक है? बस अपने जूते ऊपर कीजिए और चल पड़िए। अरे लेकिन जब मैं पहुंचूंगा तब तक 2 बज चुके होंगे। वो ठीक है, पर आप सो जाएंगे। समय आ गया है कि आप कुछ करिए। आप बुनियादी चीजों को तो सही से करते नहीं हैं और सतह को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये काम नहीं करेगा। बस लोकल फुटबॉल टीम में शामिल हो जाइए, आपको अच्छी नींद आएगी। जो लोग शारीरिक रूप से खुद के बल पर सड़क पे काम कर रहे हैं, आप बस देखिए, वो एक ट्रक पर बैठेंगे और सो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी ठंड है, कितना कठोर है। आपने देखा है उन्हें, क्योंकि वो काफी शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं। और आप एक सामाजिक प्राणी नहीं है, जैसा कि समाज इसे आपको बेचने की कोशिश कर रहा है। आप एक इंसान हैं, समाज तो एक नतीजा है। हम समाज में रह सकते हैं या हम समाज से बाहर रह सकते हैं, आप इसके साथ रह सकते हैं या इसके बिना रह सकते हैं, यह सिर्फ एक सुविधा है, यह आपके अस्तित्व का स्रोत नहीं है। अभी आप समाज को इतने मनोवैज्ञानिक ढंग से देख रहे हैं जैसे ये आपके अस्तित्व का स्रोत है। कोई आपके बारे में क्या कहता है, कोई क्या सोचता है, आपको इन सब बातों की चिंता है। कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या है? कोई भी आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, वो अपनी खुद की चीजों में व्यस्त है। आपको लगता है हर कोई दिन भर आपके बारे में सोचता है? मेरा यकीन करिए, वो नहीं सोच रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जब आप अपने दरवाजे बंद करें, अगर आप लंदन को छोड़ सकें और सिर्फ आप ही बिस्तर पर जाएं, तो आप सो पाएंगे। आप लंदन के साथ सोना चाहते हैं, ये काम नहीं करता। मैं इस दिशा में जा रहा हूं क्योंकि लोग लगातार अपने लिए समस्याएं ईजाद कर रहे हैं। जो कुछ भी आपके साथ एक बीमारी के रूप में हुआ, बिना किसी बाहरी प्रभाव के, वो आपकी बनाई हुई चीज है। हाँ या ना? ये ठीक है ना? ये आपकी बनाई हुई चीजें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है। अगर ये आपकी बनाई हुई है तो हमें ये देखना होगा कि आप ये सब बातें क्यों बना रहे हैं। सिंपल टिप चाहिए आपको, कोई टिप नहीं है। एक टिप ये है कि आज आप घर पैदल जाइएगा, आप पक्का अच्छे से सोएंगे। रोज शांभवी कीजिए, दिन में 2 बार कीजिए, नींद आएगी।